ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के गांव ढसोली में 14वें वित्त आयोग के तहत इस गांव में रास्ते के लिए 3 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें कच्चे रास्ते से लेकर पक्की सड़क तक का रास्ता बनना था। पंचायत के रिकॉर्ड में जो कार्य हो चुका है, राशि खर्च हो चुकी है, गांव के प्रधान व उपप्रधान उसके बारे में न बताकर हर बात को घुमा फिरा रहे हैं और एक ही रास्ते के दो काम बता रहे हैं, जबकि पंचायत के रिकॉर्ड में कच्चे रास्ते से लेकर पक्की सड़क तक का कार्य हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है, पर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में तो आधे रास्ते का काम भी नहीं हुआ है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के गांव डसौली में 14वें वित्त आयोग के तहत इस गांव में रास्ते के लिए 3 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें कच्चे रास्ते से लेकर पक्की सड़क तक रास्ता बनना था। इसमें कच्चे रास्ते से लेकर लेखराज के घर तक दूसरा हंसराज के घर से पक्की सड़क तक पंचायत के रिकॉर्ड में पहला कार्य कच्चे रास्ते से लेकर लेखराज के घर तक 16 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 में किया गया, जिसमें 1,50,000 मंजूर राशि हुई थी। उस कार्य पर खर्च हुई 1,42,949 तथा दूसरा रास्ता हंसराज के घर से पक्की सड़क तक 13 अगस्त 2018 से शुरू हुआ और 16 अगस्त 2018 तक कार्य हुआ था, जिस पर 1,50,000 मंजूर राशि हुई थी उस पर और उसमें 1,42,387 रुपये खर्च हुए थे। इस रास्ते के खर्च की सब राशि पंचायत द्वारा की जा चुकी है। इस कार्य में जहाँ के निवासी बंसीलाल सेवानिवृत्त विकास खंड अधिकारी को पंचायत द्वारा करवाए जा रहे कार्य पर कुछ गड़बड़ी महसूस हुई तो उन्होंने इस कार्य के बारे में जब पंचायत से पूछा तो उन्हें कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया गया। बंसीलाल ने बताया कि पंचायत सचिव तथा जेई ने उन्हें किसी ब्यौरे को देने से मना कर दिया। बंसीलाल ने पंचायत द्वारा किस कार्य की पंचायत विभाग में RTI डालकर इस कार्य का ब्यौरा मांग लिया, मगर इस पर भी बहुत मुश्किल से उन्हें जो दस्तावेज मिले वो भी अधूरे और ठीक नहीं थे, मगर बंसीलाल ने हिम्मत नहीं हारी। बंसीलाल ने इस कार्य में सरकारी नियमों के हिसाब से जो सीमेंट के रेशो तथा रास्ते की मोटाई होनी चाहिए उस पर एतराज किया तो उनके घर के आगे का रास्ता ही नहीं बनाया गया। बंसीलाल ने वो रास्ता खुद के पैसों से बनवाया है। इस गांव में पहुंचने के बाद बंसीलाल ने न्यूज 18 को आप बीती बताई और पंचायत के कार्य को दिखाया तो देखकर खुद बहुत हैरानी हुई। वहां ये पाया गया कि पंचायत ने कुछ छुपाने के लिए पहले लिखी खर्च राशि को मिटाकर कोई नई राशि लिख दी है और आधा रास्ता पंचायत के रिकॉर्ड में बना है। उस रास्ते पर हकीकत में कोई काम ही नहीं हुआ है और पंचायत सचिव के रिकॉर्ड में उसकी सारी राशि दी जा चुकी है। जब इस बारे में पंचायत प्रधान कामना देवी से बात करना चाही तो उन्होंने हमारा फोन ही नहीं उठाया। बाद में पंचायत सचिव जैनेन्द्र सिंह ने फोन किया तो प्रधान ने कहा कि वे किसी कार्य से बाहर हैं तथा उप प्रधान चानन सिंह से बात की तो उन्होंने भी गांव से बाहर होने की बात कही तथा इसके बाद जेई उमेश से बात की तो वे भी इस कार्य का सही ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। पंचायत में जो कार्य हो चुका है, राशि खर्च हो चुकी है, उसके बारे में ना पता कर हर बात को घुमा फिरा रहे हैं और एक ही रास्ते के दो काम बता रहे थे, जबकि पंचायत के रिकॉर्ड में कच्चे रास्ते से लेकर पक्की सड़क तक कार्य हो चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है, पर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में तो आधे रास्ते का काम हुआ ही नहीं है। जब इसके बारे में पंचायत सचिव जैनेन्द्र से पूछा तो उन्होंने इस कार्य को बिना देखे ही वाउचर पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने बताया कि विभागीय कार्यों के कारण वे काम पर नहीं जा पाए और प्रधान कामना देवी के कहने पर काम को बिना चेक के हस्ताक्षर कर दिए। जब सारी बात की जानकारी लेने के लिए फतेहपुर खंड विकास अधिकारी ज्ञान प्यारी के पास गए तो वहां इस बात की उन्हें इस सारी घटना के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जब उन्हें इस सारी बात की सच्चाई पता लगी तो उन्होंने तुरंत जेई उमेश को इस कार्य की MB लेकर आने को कहा। जब MB देखी तो हंसराज के घर से पक्की सड़क तक के कार्य को कोई भी लेखा जोखा नहीं पाया गया। जेई ने कहा कि उन्हें इस कार्य के बारे में कोई भी सूचना नहीं है, परंतु पंचायत के रिकॉर्ड में हंसराज के घर से पक्की सड़क तक कार्य पूरा हो गया है और पेमेंट भी दे दी गई है, जिसमें पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि इस कार्य की जाँच की जाएगी और रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंप दी जाएगी। अब देखना यह है कि असल में जाँच होगी या जाँच भी कागजों में सिमट कर रह जाएगी।